आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चार जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिपुरा और मणिपुर दौरा, 1,850 करोड़ रुपए की लागत वाले 13 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तैयार, भाजपा घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भाजपा ने बनाया नया प्लान, लोक कल्याण संकल्प घोषणा पत्र होगा नाम। चुनाव से पहले लाल टोपी पर राजनीति और गरमाई, सपा ने अलग अंदाज में किया पलटवार, कहा यूपी का लाल यूपी का रखेगा ख्याल। आज से किशोरों का वैक्सीनेशन की शुरुआत, कोविन पर 7.90 लाख रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। देश भर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कोरोना के मामले में भारी उछाल, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में रिकॉर्ड हुए नए केस। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसको लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए सुबह तक 8 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं सीएम बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना लेने लखनऊ के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन की शुरुआत देखने के बाद डॉक्टरों से जानकारी लेने के साथ साथ तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 18 साल तक के, यानी कि 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1,40,00,000 है। उन्हें वैक्सीन देने के लिए कहा गया है। आज से प्रदेश में 2,150 केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें लखनऊ में 39 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे जायजा लेने के लिए। आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से भी बात करी और इस बारे में पूरी जानकारी दी कि प्रदेश में कितने बच्चे हैं 15 से 18 साल के, जिनका वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया 1,40,00,000 बच्चे हैं जिन्हें कोवैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है, सजेस्ट किया गया है, और 2,150 बूथ बनाए गए हैं वैक्सीन के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे सेंटर 39 सेंटर सिर्फ लखनऊ में ही है बच्चों के लिए, जो स्पेशली बनाए गए हैं। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। 16 जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें पहली जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर
एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। संख्या में बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। पहले दिन ही काफी संख्या में लोगों ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया वैक्सीनेशन के लिए। 8 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कोविन ऐप पर। उसके अलावा वैक्सीनेशन बूथ पर भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन की शुरुआत देखने के बाद डॉक्टरों से बात करी सीएम योगी ने, साथ ही तैयारियों की समीक्षा भी की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 18 साल तक यानी 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1,40,00,000 है। उन्हें वैक्सीन के तौर पर कोवैक्सीन देने के लिए कहा गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज जिस तरह से 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या लगता है बच्चों का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा? जी शिखा, आपको बता दें कि कोविन ऐप से 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन पर जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनके टीके का प्रावधान आज से शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल जाकर इस चीज का जांच पड़ताल भी किए कि कैसे वैक्सीन लगाई जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ के अंदर में 39 केंद्र बनाए गए हैं जहां 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाए जाएंगे जी। आप और जो बच्चे हैं वो कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जी। और अगर जो रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन तो वो जाके बूथ से भी कर सकते हैं। उनको मात्र आधार कार्ड और अपने साथ अगर बच्चा 8वीं या 10वीं पास है तो उसके मार्कशीट के आधार पे भी टीका लगाए जाएंगे जी। और आपको बताना चाहेंगे कि पूरे लखनऊ में 39 जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें से 2 केंद्र ऐसे हैं जहां आप जाकर 24 घंटे टीके का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल में 24 घंटे टीके लगाए जाएंगे जी। और क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही वैक्सीनेशन बूथ पे? आज जैसे बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है तो क्या कुछ खास तरह की सजावट देखने को मिली है? बच्चों की भीड़ देखने को मिली है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है जी? आपको बताना चाहेंगे कि आज टीकाकरण का पहला दिन है। जो बच्चे जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनका पहला दिन है जी। तो खास तौर पे स्कूली बच्चों का इस बार जमावड़ा दिखा है सिविल अस्पताल समेत बलरामपुर और जो फातिमा जो तमाम सरकारी अस्पतालें हैं जहां पे केंद्र बनाया गया है वहां स्कूली बच्चे ड्रेस पहन के टीका लगवाते हुए दिखे हैं। और पहले दिन लगभग 35,000 लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है और हर दिन इसको बढ़ाने का योगी आदित्यनाथ सरकार हर दिन इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। और सरकार कह रही है कि महज कुछ दिनों में हम सबका टीकाकरण कर देंगे और बूस्टर डोज की तरफ तैयारी करेंगे जी। विभांशु, क्या इस वैक्सीनेशन में स्कूलों की भी अहम भूमिका रहने वाली है? क्या स्कूल भी अपने छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जी? इसमें स्कूलों की तरफ से एक अर्जी भी दी गई है कि जो वैक्सीन केंद्र बनाए जा रहे हैं वो स्कूलों के अंदर भी बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक पास बच्चों को टीका लग सके। और खास तौर पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ रहता है, क्राउड रहता है, तो इससे बचने के लिए स्कूलों ने भी एक सुझाव दी है और इस पे आगे शायद सरकारें काम भी करें। और स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूल में भी केंद्र बनाया जाना चाहिए क्योंकि जब वैक्सीन की नॉर्मल डोज लगनी शुरू हुई तो लगभग अस्पतालों में, गाँव में हर एक जगहों पे टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे जिससे हर एक तबके के लोगों को टीका लगाया जा सके। वैसे ही बच्चों के वैक्सीन में भी होना चाहिए जी। विभांशु, अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों की स्कूल चल रहे हैं और ऐसे में बच्चों को क्या स्कूल से छुट्टी मिलेगी वैक्सीनेशन के लिए जी? अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की समय महज कुछ समय लगते हैं जी। तो बच्चों को छुट्टी देने की कोई वो विशेष कार्यक्रम नहीं रखे जाने चाहिए जी। मगर खास तौर पे अभी बच्चों का स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है तो कुछ रियायत देनी चाहिए या फिर तो स्कूल में ही व्यवस्था करनी चाहिए।
या फिर ऐसा कुछ प्रावधान करें जिससे खास तौर पे बच्चे 9 से 2 बजे की उनकी कक्षाएं होती है, उनकी स्कूल होते हैं, तो ऐसे समय वैक्सीन लगवाने कौन पहुंचेगा? आखिर बच्चों को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से भी करनी चाहिए और स्कूल प्रशासन और सरकार के बीच बैठ के बातचीत भी होनी चाहिए। विभांशु, वैक्सीनेशन का समय क्या है, कितने बजे तक रात तक चलता रहेगा ये वैक्सीनेशन? जी, आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर में 2 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां 24 घंटे वैक्सीन लगाई जाएंगी और 39 टोटल सेंटर बनाए गए हैं जिसमें से 2 ऐसे हैं जो 24 घंटा सुविधा देंगी, 24 घंटे वैक्सीन लगाएंगी, और 37 ऐसे होंगे जिनका हॉस्पिटल की जो खुलने की समय होती है, समय सीमा होती है, उस हिसाब से काम होगा। जी विभांशु, 2150 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के, वहीं संख्या की बात करें तो 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 1,40,00,000 है, तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कब तक पूरा हो सकता है ये वैक्सीनेशन? जी, अगर ये वैक्सीन लगाने की जो संख्या है वो पर डे बढ़ाई जा रही है तो बहुत महज कम दिनों में हम इसको हासिल कर लेंगे, क्योंकि वयस्कों का जो टीका था वो 18 से और 65 साल के अंदर के लोगों को लगाते में लगभग 7-8 महीने लग गए। तो अगर हम बात करें 1,40,00,000 टीके की, तो स्कूल में जैसे आपके तमाम बीमारियां जैसे पल्स पोलियो और तमाम चीजों को स्कूल में भेज के बच्चों को टीका पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई, ठीक वैसे ही बच्चों को वैक्सीन की व्यवस्था स्कूल प्रशासन के भी मिलके साथ में करनी चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द टारगेट को पूरा कर सके और तीसरा वेव भी आने वाला है तो बच्चे भी सुरक्षित हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। और सीएम योगी ने निरीक्षण तो किया ही है आज टीकाकरण केंद्र का, साथ ही एक अहम बात भी कही है कि अब कोरोना कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन फिर भी बचाव जरूरी है, यानी कि अगर आप किसी भी बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो उससे लड़िए, लेकिन उससे पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए, बीमारी से दूर रहिए, यही सबसे अहम बचाव है। साथ ही कोरोना के जितने नियम है उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है, अगर हम बचाव करेंगे तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। भले ही ये कमजोर पड़ रहा है, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए टीका मौजूद नहीं है कोरोना का, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है अपने परिवार के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और जब तक कोरोना कमजोर ना पड़ जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक हमें इससे लड़ना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सीएम योगी जिला अस्पताल में टीकाकरण का निरीक्षण करने भी पहुंचे, जिसके बाद सीएम ने पूर्व गवर्नर राम नाईक की पुस्तक का विमोचन किया, जिसके बाद फिर सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ कार्यक्रम है, बाद में 12 बजे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण करेंगे। और वहीं आज सीएम योगी अमेठी दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो जन विश्वास रैली में शामिल होकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनावी माहौल है, ऐसे में कई तोहफे और सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी, और आज से बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, और ऐसे में आज रैली को संबोधित भी करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी कार्यक्रम है, जहां 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, उसके बाद 12 बजे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी वितरित करते नजर आएंगे, यानी कि गरीबों श्रमिकों के लिए भी सौगात देते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद अमेठी दौरे पर रहेंगे, जहां वो जन विश्वास रैली में शामिल होकर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी काफी अहम सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, और वहां के दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां लखनऊ के अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद, उसमें शामिल होने के बाद, जनता को सौगातें देने के बाद वो अमेठी के दौरे पर निकलेंगे, जहां पे वो जन विश्वास रैली में शामिल होंगे, बड़ी संख्या में जो जनता वहां एकत्र होगी उसको संबोधित करेंगे। वो बता दें जन विश्वास रैली हर जिले में जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर रही है, बता रही है कैसे उस योजना से जनता को लाभ हो सकता है, कैसे उस योजना का लाभ लेना है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दे रही है। और आज जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, उसके बारे में भी जनता को जानकारी देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो आज कई कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। सबसे अहम कार्यक्रम जो दो कार्यक्रम थे उसमें वो भाग ले चुके हैं। सबसे पहला टीकाकरण का कार्यक्रम, जिसका खुद निरीक्षण करने अस्पताल पहुंचे थे कि टीकाकरण की स्थिति कैसी है, पहले दिन कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, टीकाकरण के लिए बच्चे कितने उत्साहित हैं, अस्पतालों में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, सभी के बारे में जानकारी लेने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उसके बाद सीएम ने गवर्नर राम नाईक यानी पूर्व गवर्नर राम नाईक की पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही कई और लोगों की भी पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह की पुस्तक, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की पुस्तक, कल्याण सिंह की पुस्तक, तमाम लोगों की पुस्तक का विमोचन किया गया। उसके बाद भी अन्य कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, क्या कुछ कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ के? जी, आपको बता दें कि सीएम योगी महज कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले विधानमंडल पुस्तकालय में जो रामनाथ कोविंद की लिखी कर्म योद्धा किताब है और जो हृदयनारायण दीक्षित जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी किताब है रत्नावली, इन दोनों का विमोचन किए हैं। इसी समेत तमाम नेताओं ने अपने द्वारा अपनी लिखी पुस्तकों का विमोचन करवाया। इसमें प्रमुख देखी जाए तो ये किताबें जो है ये खास तौर पे अच्छी मानी जा रही हैं और इसका काफी मतलब पहले से भी अगर देखा जाए तो जो पूर्व राज्यपाल हैं इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और ये भी किताब जो उनकी कर्म योद्धा ये कर्म योद्धा भी काफी अच्छी खासी मानी जा रही है। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम है आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जो कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ सौगात दे सकते हैं सीएम योगी? जी, उसमें खास तौर पे आंगनवाड़ियों को लेकर जो विपक्ष है वो उनकी तनख्वाह को लेकर हमेशा प्रदेश सरकार को घेरता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि आज आंगनवाड़ियों के लिए कुछ खास तोहफा अपने पिटारे से योगी आदित्यनाथ निकालेंगे और दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और आंगनवाड़ी जो बहन जी हैं इन लोगों का जो वर्कलोड है वो सरकार पहले से ज्यादा बढ़ा चुकी है। इसको लेकर उन्होंने मांग भी किया कि हमारी सैलरी को बढ़ाया भी जाए। वही कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने इनकी सैलरी को 10,000 करने की मांग की, तो इसी सब मुद्दों को लेकर आज आंगनवाड़ी बहन जी से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और हो सकता है निदान भी दे दें। जी विभांशु, आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, तो अमेठी सीट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे भाजपा का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला है हमेशा? जी, आपको बता दें कि अमेठी लगभग अगर देखी जाए जब से आजाद भारत हुआ तब से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और 2019 चुनाव से पहले वहां से राहुल गांधी सांसद आते थे, बाद में वो वायनाड से जीते और अमेठी से हार गए। फिलहाल की अगर बात की जाए तो वहां से स्मृति जुबिन ईरानी सांसद हैं और अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले महज 4-5 दिनों पहले वहां पे अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी भी होती है, तो खास तौर पे हम कह सकते हैं वहां पे एक प्रताड़ना के मामले में अजय कुमार लल्लू धरने बैठे जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी बाजी हारी नहीं है और अमेठी में पूरी तैयारी की है। और दूसरी तरफ मेनका गांधी का क्षेत्र में थोड़ा बहुत विरोध हुआ तो हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री की रैली और जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो अमेठी की जनता में जनादेश तैयार करने को लेकर योगी आदित्यनाथ गए हो और वहां पे हो सकता है कि कुछ अहम परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। जी, तो काफी अहम है आज की जनविश्वास रैली जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं जिसमें से कुछ में वो शामिल हो चुके हैं और बाकी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद, उसमें शामिल होने के बाद, कई सौगातें देने के बाद वो अमेठी दौरे पर रहेंगे जो कि शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपनी सीट को अमेठी में बचाए रखना। रुक करते अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिनांक 3 जनवरी को देवरिया के बरियारपुर इंटर कॉलेज में 2:05 पर पहुंचेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री किसान मोर्चा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद वो विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद 3:40 पर उप मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और हमारे संवाददाता ने दौरा भी किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसी चल रही तैयारियां। इस समय हम देवरिया जनपद के विधानसभा रामपुर कारखाना क्षेत्र के बरियारपुर के जगत नारायण आदर्श इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ कल 3 जनवरी को केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होने जा रहा है और आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है और एक भाजपा नेता हमारे पास मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या तैयारियाँ हैं। यहाँ तैयारी बहुत जोरों से है और जनता बहुत उत्साहित है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उपमुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं और किसानों से रूबरू होंगे और अपनी भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को यहाँ बताएंगे और जनमानस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से हर तरह से जो है वो संतुष्ट है और मुख्यमंत्री जी आकर के और यहाँ पर और भी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और प्रदेश की भावी रणनीति के बारे में बताएंगे। क्या सारे लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे अगले सलेमपुर में विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य का आगमन नहीं हुआ, लोग काफ़ी खफा चल रहे हैं। नहीं हुआ, मामला तकनीकी प्रॉब्लम हो गई, हेलीकॉप्टर में नहीं आ पाए, ऐसा कोई कारण नहीं था, लेकिन कल उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मजबूती के साथ आ रहे हैं और जनता की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और पार्टी को पार्टी यहाँ के जितने लोग हैं क्षेत्र के, इसके पहले इनका कार्यक्रम लगा था लेकिन कैंसिल हो जाने के बाद जो है लोग थोड़े मायूस थे, लेकिन इस समय इतना उत्साह है लोगों में कि लोग कार्यक्रम के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं करीब करीब। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जूही सिंह औरैया के विधुना विधानसभा में पहुंची, जहां जूही सिंह का महिला राष्ट्रीय महासचिव ने चांदी का मुकुट पहनाकर तलवार भेंट कर सम्मान किया तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने जूही सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान जूही सिंह ने कन्नौज के सांसद सुब्रत को गुंडा बताया, साथ ही सपा का गुणगान भी किया और साथ ही ये भी कहा कि हम समान विचारधारा के लोग हैं, जो लोग सपा में आना चाहते हैं हमारे साथ उनका पूरा सम्मान है। पहले भी हमारा गठबंधन हुआ है बसपा से, उनको समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने ईमानदारी से निभाया, साथ ही साथ 2022 में सपा की सरकार बनने का भी दावा किया। जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान थाना खिरकिया चौराहे मंदिर के पास से तेज रफ्तार एक बुलेरो को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया पर वो भागने का प्रयास किया, जिसके बाद अब बुलेरो को मंदिर के सामने ही पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों से एक बुलेरो, 3 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 अदद तमंचा बरामद किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। निर्भय और उनकी टीम के द्वारा जो है रात्रि में चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन बुलेरो गाड़ी में 3 व्यक्ति पकड़े गए और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो है वो बोलेरो गाड़ी थी वो चोरी की थी, जिसमें बगार थाना पश्चिमी चंपारण में मुकदमा पंजीकृत हो रखा है और इसमें जो 2 अभियुक्त थे सूरज और जिब्राम, इनके पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ और इनसे जब टीम ने डिटेल में पूछताछ किया तो इनका आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया तथा इनकी निशानदेही पे 3 अन्य गाड़ियां भी बरामद हुई, जिसमें एक पैशन गाड़ी है और एक पल्सर और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन अभियुक्तों का इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके द्वारा ये गाड़ियां कहां से चोरी की गई हैं उसके विषय में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।